गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी शालिनी। तो एज यू कैन सी, सेटअप इज ऑल डिफरेंट एंड ऑल्सो एज यू कैन सी, मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ। सो या तो आज का वीडियो होने वाला है, ऑफकोर्स आपको टाइटल से पता चल गया होगा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ टिकटॉक वायरल फूड रेसिपीज, ऑल्सो हैक्स। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद रेसिपीज फर्स्ट एंड आफ्टर दैट हैक्स। तो फर्स्ट रेसिपी जो मैं बना रही हूँ वो है व्हाइट सॉस पास्ता एंड इट्स द इजीएस्ट व्हाइट सॉस पास्ता। सो फॉर दिस विल बी नीडिंग पास्ता, चीज, मिल्क, सम बटर, सॉल्ट एंड इटालियन सीजनिंग दैट इज ओरिगैनो चिली फ्लेक्स। सो या अब मैंने रेसिपी अब तो आपको पूरी बता दी, अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसा बना है और फिर हम इसको खाएंगे। So let's dive into the recipe. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. Okay guys, so here is my pasta ready and so now it's tasting time. हम टेस्ट करेंगे कैसा बना है, कच्चा अच्छा तो नहीं रह गया है। It's yum, you guys. It's so freaking yum. मतलब इससे ज़्यादा ईजी है इसमें व्हाइट सॉस पास्ता का मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा बस कच्चा है, जिसको थोड़ी देर और पकाना चाहिए था, फिर मेरा इसमें दूध कम रह गया और सिर्फ 2 कप्स ऑफ दूध, मैंने सिर्फ 1 कप ही डाला। मतलब शी डिडंट टोल्ड अबाउट एनी मेजरमेंट, तो मैंने अंदाजे से डाल दिया 1 कप दूध और 1 कप पास्ता। हल्का सा दूध और ज़्यादा होना चाहिए था, उसके बाद परफेक्टली गल जाता है, या फिर मुझे लेट कवर कर देना चाहिए था तो फिर वो पक जाता। ओवरऑल आई लव्ड दिस, दिस इज अ पास्ट रेसिपी, मैं इसको वापस फिर से बनाना चाहूँगी। लाइक ये मैगी जैसा ही हो गया। इस पास्ता बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, पहले बॉयल करो फिर काटो पीटो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो या तो मैं इसको खा के आपको सेकेंड रेसिपी के संग मिलती हूँ। टिल देन बाय। ओके गाइज, सो अगेन आई एम हियर विद सेकेंड रेसिपी। तो सेकेंड रेसिपी जो है वो है ओरियो केक। ऑफकोर्स आपने आपको पता होगा या आपने अभी तक देख लिया होगा, इट गॉट सो मच वायरल बिकॉज जस्ट बिकॉज यू नीड ओनली 2 इन्ग्रीडियंट्स, ओरियो बिस्किट्स एंड मिल्क एंड यू जस्ट सॉर्टेड विद योर चॉकलेट केक और ब्राउनी, वट एवर यू कैन से। सो या लेट्स डाइव इनटू द रेसिपी। तो हेयर इज माई ओरियो केक, आपने पिछली क्लिपिंग में भी देख लिया होगा। सो गाइज, इट इज़ सो फ्रिकिंग गुड, इतना शानदार बना है, एकदम स्पॉन्जी है और बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। नाउ लेट्स जस्ट टेस्ट इट। मॉइस्चर भी बराबर है, एकदम बहुत ड्राई ड्राई भी नहीं है।
I just love 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 this cake. इसमें सिर्फ ओरियो बिस्किट का चूरा, दैट इज आटा सॉर्ट ऑफ जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया था वो, और दूध लगा है. इसके अलावा कुछ भी नहीं, नो शुगर, नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा, नथिंग नथिंग नथिंग. एंड लिटरली गाइस मैंने सोचा था ये ना अच्छा केक बन के आएगा. सो दिस इज समवर लाइक अ ब्राउनी सॉर्ट ऑफ अ केक. बहुत अच्छा है. अगर आपको कुछ क्रीम फ्रॉस्टिंग आइसिंग कुछ करनी है तो वो भी कर सकते हैं. अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी अवेलेबल है नहीं. सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड या सो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड. एंड आई विल मेक अगेन अगेन एंड अगेन. जब भी मेरे को मीठे की क्रेविंग होगी, फटाक से एक बिस्किट का पैकेट दिया, ग्राइंड किया, दूध डाला एंड जस्ट बेक कर लिया एंड यू बी सॉर्टेड विथ योर केक. एंड या नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रेसिपी विच इज़ अगेन अ वेरी 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 वायरल वन, एंड दैट इज़ डालगोना कॉफ़ी. एंड गाइज मैं ये डालगोना कॉफ़ी बहुत टाइम पहले से, बहुत सालों से बनाती आई हूँ. इट्स जस्ट लाइक दैट कि उसका नाम डालगोना कॉफ़ी अब पड़ा है, बट हाँ मैं हमेशा फेटी वाली कॉफ़ी ही बनाती थी घर में. उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता था कॉफ़ी का. सो या मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लगा. इट्स जस्ट दैट मैं उसको हॉट कॉफ़ी में पीती थी और वो अपसाइड डाउन होता था. इसमें आपको डालगोना कॉफ़ी दूध के ऊपर डालनी है. मैं पहले कॉफ़ी को डालती थी, उसके ऊपर हॉट मिल्क डाल देती थी. इसमें आपको आइसिंग डालनी है, मिल्क डालनी है, उसके ऊपर वो डालनी है. तो चलो वो रेसिपी भी देख लेते हैं. मैंने हॉट कोल्ड में कभी नहीं पी है. सो नाउ लेट्स स्ट्रेटली जंप इनटू द नेक्स्ट रेसिपी. गॉड यू गाइज मैंने सारा बोल दिया. मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी. सो या मैंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉफ़ी का पोर्शन नहीं डाला. लाइक उसमें दिखाया था इतना पोर्शन, लाइक इतना पोर्शन जो होगा वो मिल्क का होगा, इतना पोर्शन होगा कॉफ़ी का. लाइक कॉफ़ी का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होगा. मैंने उतना ही पोर्शन लिया है लाइक जितना मुझे पसंद है कॉफ़ी का टेस्ट. एंड उसके ऊपर मैं इसको मिक्स भी कर रही हूँ अच्छे से. उन्होंने डायरेक्ट ही लेकर के बताया था. मैं डायरेक्टली सिप नहीं कर सकती कॉफ़ी. आई नीड टू मिक्स इट वेरी वेल जिससे कि वो बिटर टेस्ट ना आए. वरना ऊपर ही ऊपर बिटर टेस्ट आएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेन सिंपल वाइट मिल्क रह जाएगा. तो उसका कोई सेंस नहीं है. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से पहले उसको पूरा मिक्स आउट कर लें जिससे वो पूरा कॉफ़ी का फ्लेवर पूरे आपके मिल्क में हो जाएगा. यू कैन सी इसका कलर हो गया है वैसा. सो या मिक्स इट वेल वेल वेल. एंड आई थिंक कि मुझे पसंद आ जाएगी कॉफ़ी. बिकॉज आई टेक इट्स हॉटर हॉटर लाइक आई टेक इट्स हॉट वर्जन. सो या और मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली है. इफ़ यू आर अ शुगर पर्सन तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं. सो लेट्स टेस्ट. अभी इसके अंदर थोड़े कॉफ़ी के वो रह गए हैं चंक्स, लाइक थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी रह गया है. पूरा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ. ऑफकोर्स ठंडी में इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है. गर्म में अच्छे से शानदार से मिक्स हो जाता है. सो या एनीवेज वी विल टेस्ट कैसी लगती है. आई वॉज थिंकिंग फॉर एडिंग चॉकलेट पाउडर एज वेल, बट इट्स ओके. हम अपना दूसरा वर्जन बनाएंगे. अभी तो हम टिकटॉक की रेसिपी को ही टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल प्रैक्टिकली वो वर्क करती है कि, बट ये सबके लिए वर्क किया ऑफकोर्स मेरे लिए भी करेगी ही. सो माय फ्रिकिंग गॉड
इट टेस्ट अमेजिंग अमेजिंग लाइक ठंडी वाली कॉफ़ी तो बहुत आउटस्टैंडिंग है गाइज, मेरे को इसका हॉट वर्जन तो फर्स्ट शॉप पसंद आई, अब मुझे इसका ठंडा वाला वर्जन भी पसंद आ गया है। आई एम जस्ट लविंग दिस। आपको मिक्सी में भी ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई है। एंड इफ़ यू आर अ कोल्ड कॉफ़ी पर्सन जस्ट मेक दिस वन एंड विल बी सॉर्टेड। मिक्सी की आपको ज़रूरत नहीं, बस मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लीजिए, ये ब्लेंड किया आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरी अभी भी अच्छे से मिक्स नहीं हुई है, ठंडी चीज़ में कुछ भी मिक्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यू हैव टू टेक योर प्रॉपर टाइम्स के बाद ही वो मिक्स होता है। मीठा मीठा एकदम परफेक्ट है, मीठे से हल्का वो स्ट्रॉन्ग सा कॉफ़ी का फ्लेवर भी आ रहा है। आई एम रियली लाइकिंग इट अ लॉट। अगर आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप कॉफ़ी का पोर्शन कम लीजिए, शुगर का पोर्शन ज़्यादा लीजिए। सो इसके लिए भी थम्स अप है। सो गाइज, आई टोटली लव्ड ऑल ऑफ माई थ्री रेसिपीज विच आई ट्राइड बाई सीइंग टिकटॉक। पास्ता रेसिपी मुझे बहुत पसंद आई, केक बहुत पसंद आया, एंड ऑफकोर्स डालगोना कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हैक्स। आई ट्राइड ओनली टू हैक्स, जैसे जिस टाइप से मुझे सामान मिल पाया आई वॉन्टेड टू ट्राई मोर ऑफ हैक्स, बट अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं हो पाया तो मैंने दो ही हैक्स ट्राई करे हैं। सो नाउ लेट्स डायरेक्टली जम्प इन टू द हैक्स। Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. सो या दैट वॉज अबाउट माई दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल बटन। एंड आई सी माई नेक्स्ट वन अंटिल देन बी क्रिएटिव, एंड आई सी माई नेक्स्ट वीडियो अंटिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश। बाय एंड आई एंजॉय माई कॉफी। बाय।